नमस्ते सभी को। नमस्ते कुमार भैया, आज हिंदी सेशंस में अरुणा दीदी अपनी बात रखेगी। अरुणा दीदी महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में गेस्ट फैकल्टी के पद पर कार्यरत है। दीदी लगभग 10 साल से यूएचबी कंटेंट को स्टूडेंट के साथ में शेयरिंग कर रही है और दीदी का वॉलेंटियरिंग के रूप में भी काफी भागीदारी रहती है, तो दीदी को हम जरूर सुनना चाहेंगे। सो दीदी, ओवर टू यू। हाँ जी, नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। जैसा भैया इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, मेरा नाम अरुणा गुप्ता है, मैं जोधपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। हम दो भाई और दो बहन हैं। पिताजी रिटायर्ड इंजीनियर हैं, माताजी मेरी गृहिणी हैं। मेरे ससुराल पक्ष में मेरी सासू माँ, एक जेठ जी तथा तीन नंदे हैं, ये हरियाणा में रहते हैं। मैं अपने बेटा जी तथा हस्बैंड के साथ बठिंडा पंजाब में रहती हूँ। हस्बैंड MRFCTU में ही टेक्सटाइल विभाग में HOD के पद पर कार्यरत हैं तथा बेटा जी ने अभी जस्ट BTech के पेपर दिए हैं कंप्यूटर साइंस में। मैं भी MRFCTU में गेस्ट फैकल्टी के तौर पर पिछले 10-11 वर्षों से UHV के प्रपोजल्स शेयर कर रही हूँ। मैंने अपना पहला शिविर 2012-13 में कपूरथला पंजाब में किया था। उसके बाद में 3 और 8 दिनों के आवासीय 4-5 और शिविर अटेंड किए हैं। सेकेंड लेवल करने में कानपुर संस्थान गई तथा गणेश सर से प्रपोजल समझने की मैंने कोशिश की। UHV प्रपोजल्स को जानने से पहले मैं शरीर हूँ का ही पता था तथा सारे प्रयास शरीर के लिए ही हो रहे थे। अपने बेटा जी के साथ भी मेरा जीना आदेश पूर्वक था, जिससे मैं और वो दोनों ही परेशान थे। दूसरा व्यक्ति मेरे दुख का कारण है, ऐसा ही मुझे लगता था। पहला शिविर लगाकर जब मेरे हस्बैंड आए तो मुझे उनमें कुछ सकारात्मक बदलाव दिखाई दिए। वे अपनी बात जल्दी से शेयर नहीं करते थे, अब उनकी मेरे साथ बातें शेयर होने लगी। इनका रिएक्शन कम और रिस्पॉन्स ज्यादा होने लगा। मुझे इन्होंने प्रस्ताव दिया कि क्या तुम जिंदगी को नई नजर से समझना चाहती हो तो UHV का वर्कशॉप अटेंड कर सकती हो। इस तरह मैं अपना पहला वर्कशॉप अटेंड करने PTU कपूरथला गई। रिसोर्स पर्सन भानु सर थे, जिन्होंने बहुत ही सरलता से कंटेंट को रखा। इस तरह UHV को समझने की मेरी जर्नी शुरू हुई। सुबह के सत्रों को लेकर निम्न बिंदुओं पर समझ बनी। वैसे यहाँ मैं एक बात बताना चाहूंगी कि इस सत्र में मैं बीमार काफी रही, तो मैं उसमें भी मैं ना मतलब चाहे मेरी कैसी भी अवस्थाओं में आधी नींद में हूँ कैसे में, लेकिन मैं ऑन क्लास में ऑन कर लेते थे कि कितना भी मेरे दिमाग में जाएगा, कितना भी समझ में आएगा मुझे, पर मेरे को क्लास ऑन करनी है। क्योंकि मुझे स्किन की प्रॉब्लम रही, मुझे खांसी इतनी ज्यादा रही कि मुझे कुछ ऐसी दवाई भी लेनी पड़ी जो शायद नहीं लेनी चाहिए थी मुझे, और आगे उसके लिए और मेरे को मतलब मैं रिसर्च भी कर पाई कि हाँ शायद मैं इनको ना लेती तो उस कारण भैया मैं थोड़ा सा मेरा 25-30% थोड़ा सा वो रहा समझने का कम इसमें, लेकिन 75% के करीब मैंने इस सेशन को पूरा सुना। तो मानव को लेकर जो समझ बनी है, मानव स्वयं तथा शरीर के सह अस्तित्व में है। सामने वाला व्यक्ति मुझे संबंधी दिखाई देता है और उस तक जब मेरा ये भाव पहुंचता है तो परस्पर सुख भी दिखाई पड़ता है। जैसे कोई विद्यार्थी हो, टीचर हो, डोमेस्टिक हेल्प करवाने वाली दीदी या स्वीपर हो, सभी के साथ मेरा संबंध पूर्वक विश्वास पूर्वक जीना है। ये तभी हो पाता है जब मेरे को वे अपने जैसे ही दिखाई पड़ते हैं। मैं उनको कहती भी हूँ कि संबंधी केवल खून से ही नहीं होते, सही समझ होने से होते हैं। प्रकृति को अगर मैं कहूँ तो ये समझ आया कि यहाँ पर लेन लेन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसका नतीजा हम भुगत ही रहे हैं प्रकृति की बनी हुई व्यवस्था को बिगाड़कर। हमें लेन देन वाला नजरिया रखना होगा। अगर हम प्रकृति से ले रहे हैं तो हमें देना भी है। मैं कुछ भी फल खाती हूँ उसका सीड मिट्टी में लगा देती हूँ, सब्जी की बगिया में किचन वेस्ट की खाद डालती हूँ। इस एनवायरमेंट को लेकर के बात बच्चों छोटे बच्चों तक भी पहुंचे, इससे संबंधित मैं कोई नाटक या एक्ट द्वारा उन तक पहुंचाने का मैंने इनिशिएटिव लिया और उन बच्चों ने दिल से महसूस किया कि किस तरह से हम प्रकृति का संतुलन बिगाड़ रहे हैं। अस्तित्व को लेकर समझ आया कि अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में है। सारी इकाइयां शून्य के सह अस्तित्व में रहते ऊर्जित हैं, क्रियाशील हैं तथा मानव अवस्था को छोड़कर बाकी तीनों अवस्था व्यवस्था में है, परस्पर पूरक है। और सच कहूं अभी इसे मुझे और अच्छे से समझना है। मानवीय आचरण के बारे में मैं जो समझ बनी कि एक मानव का मूल्य क्या होता है, उसके चारों स्तर पर भागीदारी, ये समझ में तो आ गया है, पर हमेशा पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग नहीं बन पाती है। वही बात कल्पनाशीलता के प्रति सजगता की आ जाती है
कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही एक्सप्रेशन भी होता है, तो कभी डेफिनेट कंडक्ट तो कभी इनडेफिनेट कंडक्ट हो जाता है। अभी बहुत काम बाकी है, पर काम क्या करना है ये कम से कम पता लग गया है। अब बात करती हूँ अभ्यास एक की, स्वयं को द्वारा स्वयं को देखना। पहला स्टेप ही सबसे महत्वपूर्ण है, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यानी हर पल अपनी इमेजिनेशन के प्रति सजग रहना। तो कभी दुर्घटना होते ही तो कभी दुर्घटना होने से पहले सजगता बनती है, जैसे संस्कारवश सामने वाले को अनावश्यक कुछ बोल देना, फिर कल्पनाशीलता पर ध्यान जाता है कि अनावश्यक शब्द क्यों बोले, जैसे पागल या बेवकूफ, है ना, ऐसे संस्कारवश कुछ निकल जाते हैं शब्द मेरे से, ऐसा बोलना मुझे सहज स्वीकार नहीं है। कुछ सेंटेंस जो एक्स्ट्रा बोले जाते हैं उन पर भी तुरंत ध्यान जाता है और मेरा एक्स्ट्रा बोलना कम हुआ है। पहले मैं केवल विचार को ही देख पाती थी, अब मैं भाव को भी देख पाती हूँ, और ये भाव डिसाइड मैं यानी स्व ही करता है। जैसे स्टूडेंट्स को किसी बात पर समझाने के लिए मैंने कोई एक्शन लिया भी, तो मैं उसमें संबंध के भाव को देख पाई कि मैं एक माँ की तरह उनका अच्छा चाहती हूँ, उनमें कॉम्पिटेंस डेवलप हो जाए, ऐसा ही भाव मेरा होता है। और सच में उन बच्चों तक ये संबंध का भाव पहुंचता ही है, उनका भी व्यवहार मेरे प्रति विरोध का नहीं रहता। हाँ, विरोध का भाव मुझे स्वीकार नहीं है, ये भाव मुझे दुखी बेचैन कर देता है। जैसे कल्पनाशीलता के प्रति सजगता ना बनी रहने पर जब कभी सामने वाला मेरे साथ गलत व्यवहार करता है तो मैं देख पाती हूँ कि मैं दुखी हो जाती हूँ, उसके प्रति विरोध का भाव मैंने रखा है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन से ऐसा समझ आ जाता है कि विरोध का भाव मुझे सहज स्वीकार नहीं है, और मैं देख पाती हूँ कि अपनी योग्यता की कमी के कारण उसने ऐसा व्यवहार किया है, लेकिन वो भी तो सुखी होना चाहता है और मैं सहज हो जाती हूँ। परंतु जब तक ये प्रस्ताव नहीं पता थे, कई सालों तक विरोध का भाव चलता रहता था। मेरी बहुत अच्छी सहेली से स्कूल के दिनों में गलतफहमी के कारण पैदा हुआ विरोध का भाव शादी के बाद भी काफी टाइम तक चला, और कितना दुख का बोझ मैं लेकर चल रही थी। UHV के प्रस्तावों को समझते हुए ऐसी ना जाने कितनी ही पीड़ाओं से मुक्ति मिल रही है, वो मेरी अभी वापस, हमारी बहुत अच्छी, मेरे को वो वापस मिल गई है मेरी फ्रेंड, और मैंने उसको रिजॉल्व कर लिया अपने इस जो भी गलतफहमी थी इतने सालों बाद। मैं ऐसा भी देख पाती हूँ कि मेरे भाव विचार किसी मान्यता के आधार पर चल रहे हैं, तो मैं उनका मूल्यांकन भी कर पाती हूँ। जब मैंने ये मान्यता बना रखी थी कि मुझे गणेश बागरिया सर की क्लास ही समझ आ सकती है या भानु प्रताप सर को ही मेरे रिसोर्स पर्सन के रूप में सुनना है, तो बहुत सरलता से बात रखते हैं आदि, लेकिन जब मैंने कुमार भैया, उमेश भैया, निर्मला भैया, निधि दीदी, प्रिया दीदी, मनीषा दीदी तथा बाकी दीदी भैया को भी सुना, तो मेरी ऐसी मान्यता दूर हो गई। संबंध व्यवस्था सह अस्तित्व को मैं देख पा रही हूँ। मैं इवनिंग में मैस वर्कर्स के बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो मैं अपनी मम्मी के पास 8-9 दिनों के लिए गई थी। मैंने आकर देखा, मेरे बगीचे के सारे पौधे हरे भरे थे, उन बच्चों ने मेरे बिना कहे पीछे से उन पौधों में समय से पानी डाला। मैं ये देख पाई कि किस प्रकार से बच्चों ने अपनी कृतज्ञता को प्रकट किया, और मैं भी उनके प्रति कृतज्ञता से भर गई। योगिता दीदी की मैंने जब शेयरिंग सुनी तो व्यवस्था वाला बात मुझे और भी ज्यादा समझ में आई कि किस तरह सेल्फ में व्यवस्था, शरीर में व्यवस्था और प्रकृति में व्यवस्था जो है बनी हुई है, और किस तरह हम अपनी इस व्यवस्था को बनाए रख सकते हैं, तो वो भी मुझे बात समझ में आई है। Exercise 2, अब मैं बात करती हूँ Exercise 2 की, कि सेल्फ द्वारा बॉडी को समझना। UHV की प्रपोजल जानने के बाद ही पता लगा कि मानव सेल्फ और बॉडी के रूप में है, ये दोनों अलग अलग वास्तविकताएं हैं। बॉडी में सेंसेशंस हैं, इन्हें सेल्फ जब चाहे तब, जब जरूरत हो तब रीड करती है, ऐसा मैं समझ तो पाई हूँ, पर इम्प्लीमेंट हमेशा नहीं कर पा रही। मेरा ब्लड टेस्ट करने को भैया जब नीडल प्रिक कर रहे थे, तो मेरी सेल्फ ने डिसाइड किया कि इस सेंसेशन को रीड नहीं करना है, और रीड नहीं किया। डेंटल केस में भी मैंने यही लागू किया। इस तरह से मैं कुछ समय से स्किन प्रॉब्लम से भी गुजर रही हूँ, तब पब्लिक प्लेस पर मेरा सेल्फ बॉडी में होने वाली इचिंग को रीड ना करने का निर्णय लेता है, और ये रीड नहीं भी करता है। और कई बार जब हमारा सेल्फ किसी और बात में होता है तब भी वो रीड नहीं होता है। लंबे समय तक ये निर्णय बना रहता है, लेकिन घर आने पर ये निर्णय कभी बना रहता है कभी नहीं। इस पर मुझे भी और काम करना है। ये भी मैं समझ पाई हूँ कि सेल्फ अपने निर्णय के अनुसार बॉडी को केवल इंस्ट्रक्शन देता है, शरीर यंत्र के रूप में उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार कार्य करता है। मुझे कब सोना है, कब उठना है, क्या काम करना है, ये सभी सेल्फ अपने निर्णय के अनुसार शरीर रूपी यंत्र को इंस्ट्रक्शन देता है। हाँ, मैं संवेदना नहीं हूँ, मेरे तथा संवेदना के बीच दूरी है। इसमें इतना पता लग रहा है कि संवेदना तो शरीर में है, और उसे मैं पढ़ूं या नहीं पढ़ूं मैं का ही निर्णय है, और मैं
स्व उससे प्रभावित हुए उससे बिना प्रभावित हुए निरंतर सुखी रह सकता है। तो दोनों के बीच दूरी है ऐसा मुझे समझ में आता है। बाहर से आने वाली संवेदना को मैं स्व ही अर्थ देता है, ये अर्थ मान्यता के आधार पर होता है तब रिएक्शन होता है, और सही समझ के आधार पर होता है तो रिस्पॉन्स होता है, ऐसा मैं देख पाती हूँ। जैसे कॉलेज में मैं एक डिपार्टमेंट में गई तो वहां फोटोकॉपीज करनी थी, वहां स्टेनो सर बैठे हुए थे, तो थोड़ी आनाकानी सी करने लगे, तो मेरे में संस्कारवश ये मान्यता बनी हुई थी कि ये लोग काम नहीं करते हैं टाइम पास करते हैं, तो मैं रिएक्शन में आ गई और विरोध का भाव क्षणिक रूप में ही सही पर मैं उसे देख पाई। लेकिन जब मैंने सेल्फ एक्सप्लोरेशन किया तो मैं देख पाई कि शायद काम का बोझ ज्यादा होगा, लगातार काम करना पड़ रहा होगा तो ये अंदर से परेशान होंगे इसलिए ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो मेरा रिएक्शन रिस्पॉन्स में बदल गया, विरोध का भाव संबंध के भाव में बदल गया। परंतु इमेजिनेशन से सजगता हटते ही रिएक्शन हो ही जाता है, तो बहुत काम करना है अपने पर कि हर पल अपनी इमेजिनेशन के प्रति सजगता बनी रहे तथा मैं हर पल संबंध व्यवस्था तथा सह अस्तित्व को देख पाऊं जी पाऊं तथा निरंतर आराम में बनी रहूं। सुख स्वभाव ही है प्रभाव नहीं, यानी सुख मेरे स्वयं के भीतर है। मेरी सही समझ से स्व मैं निरंतर सुखी रह सकता है ऐसा समझ में आया है। प्रपोजल्स को समझने के बाद कोई कपड़ों की या किसी सुविधा से रिलेटेड अगर मेरी तारीफ करता है तो मेरा ध्यान सीधा सेल्फ पर जाता है कि सुंदर और समझदार तो इसी को होना है और आराम में रहना है, और मैं ऐसा सामने वाले तक भी अगर ऐसी स्थिति होती तो मैं बात को समझा पाती हूँ, मतलब अपनी बात को रख पाती हूँ। इसी तरह फंक्शंस में मेकअप करना हो या पारिवारिक पार्टी मैं उनमें शामिल होती हूँ, पर मैं पहले की तरह डूबती नहीं, जो जरूरत हो वही लेती हूँ। हम पति पत्नी पार्टी में खाने में संयम का भाव रखने की कोशिश करते हैं ताकि शरीर की व्यवस्था ना बिगड़े। इस तरह बाहरी प्रभाव का असर कुछ कम हुआ है पर पूरी तरह से समाप्त नहीं। एक एग्जाम्पल से यह बात मैं रखना चाहती हूँ कि जैसे मैं अपनी मम्मी के पास गई तो वहाँ कल्पनाशीलता से ध्यान खींचते ही एक्सीडेंट हो गया। नाश्ते में मिर्ची पकौड़ा भी था और मैंने स्किन की व्याधि में भी उसे खा लिया, और उस क्षणिक सुख को तथा बाद में शरीर पर उसके नकारात्मक प्रभाव की पीड़ा को सेल्फ ने अनुभव भी किया। अभी मुझे इस पर और काम करना है, पर कुल मिलाकर कहूँ तो UHV से जुड़कर काफी आराम में आई हूँ। सही गलत को, अपनी गलतियों को देख पा रही हूँ, सुधार पा रही हूँ। घर में हस्बैंड भी इन प्रपोजल्स को समझ रहे हैं, घर में वर्क प्लेस पर हम दोनों सजगता भरी रहने पर जी पा रहे हैं तथा सजगता हटने पर दुर्घटना का शिकार भी। हम दोनों घर में पूरे दिन की चर्चा UHV के संदर्भ में ही करते हैं कि कहाँ हम स्लिप हुए, कैसे अगली बार इन गलतियों को दोबारा करने से बच सकते हैं। हम एक दूसरे का ध्यान आकर्षण भी करवाते हैं। अंत में कमिटमेंट की बात करती हूँ। मैं सबसे पहले तो कॉलेज में UHV के प्रपोजल्स को जिम्मेदारी पूर्वक रखने की कोशिश कर रही हूँ, हालांकि अभी मुझे बहुत समझना शेष है। साथ ही मैं शाम को मैथ वर्कर्स के 50 बच्चों को 1.5 घंटा पढ़ाने का कार्य करती हूँ। ऑनलाइन FDP में मैंने जितना समय मिलता था FAQ टीम में कार्य किया तथा कुछ ट्रांसक्रिप्शन का कार्य भी किया। अभी मैं और भी जिम्मेदारी मिलने पर ट्रांसक्रिप्शन के कार्य में भागीदारी निभाऊंगी तथा बाद में दूसरी जिम्मेदारियां भी मैं जरूर लूंगी। मैं मॉर्निंग सेशन के अलावा 2 घंटा तो लगा ही सकती हूँ। अंत में मैं गणेश सर, कुमार भैया, शर्मिला दीदी समेत समस्त UHV टीम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, जो मेरी समझ बढ़ाने में मेरे सहयोगी हैं, तथा सभी भाई बहनों ने मेरी अभी तक की यात्रा को ध्यान से सुना, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और शायद मेरी स्पीड तेज रही हो भैया तो इसके लिए सॉरी। अभी मैं कुमार भैया को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी बात रखे। भैया और भी जी, सभी को नमस्ते। अरुणा दीदी की शेयरिंग भी काफी अच्छी रही, आपके परिवार में भी काफी अनुकूलता है, और आपने तो फेस टू फेस वर्कशॉप भी किए हैं, आप कानपुर भी आई हैं, और मैं कहूँगा आज दोनों लोगों की जो शेयरिंग रही है काफी वोकल लोग हैं। आप लोग सत्र के दौरान भी काफी शेयर करते रहे हैं, काफी प्रश्न करते रहे हैं, जीने से जुड़ी छोटी छोटी घटनाओं को भी बताते रहे हैं, तो उससे सत्र भी काफी इंटरेस्टिंग रहा है। और साथ में ही जिस बारीकी से आप लोग ध्यान देने का अभ्यास कर रहे हैं ये भी पूरा काफी उपयोगी है आप लोग के लिए भी और पूरे प्रोग्राम के लिए भी। अरुणा दीदी का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रहा इस बीच, जैसा आपने बताया, मुझे लगता है आगे जो 8th बैच स्टार्ट होने वाला है उसमें आप पुनः जुड़ें और फिर इस अभ्यास को आप कंटिन्यू करें। जी सर। और जी बिल्कुल बिल्कुल भैया, मैं शुरू से रही हूँ और लास्ट तक रहूंगी मैं डटी भैया। जी जी बिल्कुल बढ़िया है, आप इस पूरे उत्साह से लगे रहे आप दोनों लोगों को ढेर सारी शुभकामना।
बधाई, अभी तक जितनी गति हुई उसके लिए बधाई, आगे के लिए शुभकामना, और भागीदारी आप दोनों की और बढ़ सकती है। हाँ जी भैया, थैंक यू भैया। ओके ओके सर, बहुत खुशी हुई सर ये सुनकर कि हम किसी के काम आ सके। जी जी बिल्कुल। और अरुणा दीदी भी पंजाब में है, अभी पंजाब यूनिवर्सिटी में भी लागू हो गया है, नॉन टेक्निकल कोर्सेज में भी लागू हो गया है, तो आप देखें वहां पे कई सारे अवसर निकलेंगे। जी अरुणा दीदी के लिए, तो अरुणा दीदी के पीटीयू में काफी और पंजाब यूनिवर्सिटी में काफी अवसर है, तो आप लोग मन बना के रखिए, भागीदारी और बढ़ने वाली है हम लोग की। बढ़िया, आप दोनों को शुभकामना। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।